औरतों का दाखला बना है। अरे जा रिकॉर्ड और कामी के बच्चे, मेरा टूथब्रश तूने उठाया ना? ओ अपने दिमाग का इलाज करा, मेरा साबुन मुझे दे यार, मैं नहा रहा हूं। बात सुन, ये आजकल तूने साबुन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा शुरू नहीं कर दिया? अच्छा जी, साबुन का इस्तेमाल 10 मरतबा तू करता है, ये देखा तूने सड़ा हुआ थोबड़ा, इसको चमकाता रहता हर वक्त। ओए आंखों के अंधे, वो पड़ा हुआ है, उठा ले। गोडू, मेरा ब्रश लेके आओ। मंच ले भाई, मैं स्वाद से गुजारा कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों पूरे 5 मिनट लेट हो। दरअसल बात यह है कि साबुन की टिकिया 1 थी और इस्तेमाल करने वाला 4। क्या ज्यादा साबुन तो तू इस्तेमाल करता है? तो तू कौन सा कमी करता है? पहले अपनी पीठ पे रगड़ता है, फिर आधा अपने थोपड़े पे रगड़ता है, टिकिया खत्म। अब मैं बस बस बस, ये क्या तुम दोनों सुबह ही सुबह उठने के साथ ही सौकनों की तरह लड़ना शुरू कर देते हो? तुम दोनों के अंदर किसी फटी पुरानी औरत की रूह दाखिल हो गई है, जबकि तुम दोनों को पता है इस घर में औरत का दाखिला ममनू है। जी एक मिनट, एक मिनट, पहले अपना सबक दोहराइए। हमेशा सच बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कहने की हद तक किसी को तकलीफ नहीं देंगे। ये उससे भी बड़ा झूठ। मुनाफिक पे हमेशा लानत भेजेंगे। लानत है मुझ पे। जुल्म के खिलाफ जहाद करेंगे, इसीलिए आज तक कश्मीर आजाद नहीं हुआ। और आजाद को इंशाल्लाह अपने घर में, मेरा मतलब है कभी दाखिल नहीं होने देंगे। अब कयामत जरूर आएगी। वैसे भैया, बाय द वे, आपको औरत जात से इतनी नफरत क्यों है? हालांकि मैंने उन्हें अट्ठू भी लेके दिए थे। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। नाश्ता करो भैया। वो कल मैंने पेमेंट करनी थी, हो सके तो। भैया भैया भैया, छिपकली भैया, चुप करी, आप एक दूसरे। पानी। क्या हुआ? पानी ये पिए। पड़े भैया, शानी ने छिपलियों फेंक दिया है। हाँ फेंक दिया। जिशान, ये मनुष्य मेरी जान ले लेगी। बड़े भैया, औरत की तरह छिपकली का भी दाखला बंद कर दे। काश ये मेरे बस में होता। भैया
आप थोड़ा आराम कर लें, हम ऑफिस चले जाते हैं, बेफिक्र रहें। अच्छा ठीक है। कोडू, भैया का ख्याल रखना। टेक केयर बड़ भैया। चलो कामी। मेरे तनु भाई हीरे हैं हीरे। बोला तुमने? I said bastard, bastard. You. आइंदा किसी मर्द को गाली देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक गाली बना सकता है। बास्टर्ड। इस शहर का वो कौन सा बदनसीब है जिसने पाशा की बहन के चेहरे पर अपनी मौत की तहरीर छाप दी है? बंटो जी भैया, पता लगाओ उस हरामजादे का और उसके हाथ काट कर उसे अपाहिज कर दो। फिक्र न करें भैया, मैं उसे जमीन की सातवीं तह से भी निकाल लूंगा। उसकी गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी के मालिक तुम हो? मालिक तो अल्लाह है। फायदे में तुमने ये गाड़ी खरीदनी है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उस लड़की को तुम जानते हो? इंतहाई थर्ड क्लास और बदतमीज लड़की है, जिसे मैं उसकी बदतमीजी की सजा दे चुका हूं। अब अपनी सजा के लिए भी तैयार हो जाओ। Oh,
ये किराए के हिजरे तो अपना मुजरा कर चुके मिस थर्ड क्लास, अगर तुम भी इनकी जगह मुजरा करना चाहो तो। ओ यू शट अप, यू शट अप, ये तुम्हारी दूसरी गलती थी इसलिए माफ करता हूं, तीसरी गलती के बारे में मत सोचना वरना। छोड़ूंगी तो तुझे, मैं भी नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि काम ही वक्त पर ना पहुंचा हो। भैया रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गाड़ी का खराब होना, ट्रैफिक का ब्लॉक होना, या किसी छिपकली के साथ एक्सीडेंट होना। चलो खबरदार कोई ऐसी बात मुझसे निकाली तो। हाय एवरीबॉडी, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई आज। ये अंग्रेज के बनाए हुए सॉरी की ऐसी की तैसी, जहां इंतजार की सूली पर डेढ़ घंटे से लटके हुए हैं और टेंशन में 200 कप चाय के पी चुके हैं। ये तुम्हारे चेहरे पर जख्म के निशान कैसे? बड़े भैया वो एक लड़की से झगड़ा हो गया था, वो अपने किराए के टट्टू ले आई और बस फिर। लड़की से? हाँ। प्लीज कैसा था? खामोश। ये तुम्हें औरत जा से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तुम भी, ये उस सबक का नतीजा है जो मैंने तुम दोनों को तोते की तरह रटाया था। बड़े भैया वो तो मेरे सर ही पड़ गई थी, वरना औरत जात कहां मैं कहां। तो मतबा आपका पढ़ाया हुआ सबक मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ ठीक है ठीक है, आइंदा एहतियात रखना। ठीक है ओके। बात सुनो कामी, तू है मेरा भाई, अगर वो लड़की तुझे पसंद आ गई है अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो भाई मुझे बता साफ साफ। हाँ? नहीं तो मुझे बता। हाँ इनको बता। आ, 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 नहीं मानते भाई। उफ। अगर पाशा भैया इमरजेंसी में जंगलात के दौरे पड़ने चले गए होते तो मैं जलील का कीमा करवा देती। तो क्या पाशा भैया ने गोश्त की दुकान खोली हुई है? जो अपनी आशी, आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट, वो शख्स बंटू और उसके साथी का हुलिया बिगाड़ कर चला गया और मैं देखती रह गई, तो तुम शहनशाह भैया से बात क्यों नहीं करती? वो इंतहाई फजूल और बेहिस भाई है, उसे तो अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं, मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? जी चाहते शर्मिंदगी से चेहरा छुपाकर बैठ जाओ। चुल्लू पर पानी के बारे में क्या ख्याल है? मजाक नहीं आशी, एक तो वो कमबख्त है भी बहुत बोल्ड और ब्रेव, ऐसे लोग जबरदस्ती काबू नहीं आया करते। हाँ अगर तू कहे तो एक बड़ा ही आउट क्लास आइडिया बताओ, तेरे कदमों में अपना माथा रगड़ने ना आए तो मेरा नाम बदल देना। जल्दी से बताना, मैं तो उसे अपने इंतकाम की आग में जलाना चाहती हूँ। What do you mean? I mean, I love you. तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सब लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, हम तो सिर्फ तुम्हें देखेंगे, तुम्हें चाहेंगे और तुम्हें पूछेंगे। लाहौल वेला कुव्वत, क्यों हदूद ऑर्डिनेंस लगवाओगी? पीछे हटो। आशी कभी पीछे नहीं हटते, जहर प्याला पीते हैं और अपने माशूक की बाहों में फड़क कर दम तोड़ देते हैं। क्या कर रही हो? पीछे हटो।
बना था जो मेरे सपनों के सितारे, रोशन है अब वही मेरी धड़कन के दीप में। कितना हसीन उसने ये एहसान कर दिया, जो कुछ था उसके पास मुझे दान कर दिया। बेचैन धड़कनों की दुआ ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई, क्या जाने के निगाह क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई, क्या जाने के निगाह क्या ले गया कोई। देख देख दीदे फाड़ के, ये है तेरे करतूत। रोज कहता था भैया मैं औरत के नजदीक नहीं जाऊंगा, और यहां देखो जनाब को इस फुलझड़ी के साथ फिल्मी पोज बनाकर बैठा है, शर्म यही तुझे? बड़े भैया ये झूठ है, फ्रॉड है, साजिश हुई है मेरे खिलाफ। क्यों? तू प्रेसिडेंट है इस मुल्क का, क्या है तू बोल? और इस खत का क्या करूं जो इस फुलझड़ी ने इन तस्वीरों के साथ भेजा है? वो तेरे पर केस करने जा रही है, तूने सरेआम उसकी इज्जत पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश की है, अब तू मुझे थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाएगा। इसीलिए कहता था कि औरत से दूर रहो, तू रहो औरत से। वैसे बड़े भैया इस कमाल है, मुझे तो ये फिल्म स्टार रेशम की तरह लगती है, ये बड़ी बड़ी आंखें और बस अच्छा भी सर। वैसे तेईस अच्छा है तो छाबड़ी पे लगा के बैठ जा, ये तेरी चोंच बंद नहीं रह सकती, हर वक्त कबे की तरह काय काय करता रहता है। वैसे बड़े भैया जी, अल्लाह के बनाए हुए हुस्न की तारीफ करना कोई बुरी बात तो नहीं, कितनी अच्छी बच्ची है, किसकी है? अच्छा तो अब तेरे भी पर निकला बोने चूटे, एक तो तू पहले जमीन से ऊपर नहीं आया, और ये जो डेढ़ फुट कद है ना इसे भी जमीन में गाड़ दूंगा, फिर तो बहुत अच्छी फसल होगी बड़े भैया। शट अप, और तू क्यों मुंह में ताले लगाए खड़ा है, जवाब दे क्या करेगा तू? ये आपकी हडिक नहीं बड़े भैया, ये मेरी इज्जत का सवाल है, दुश्मन ने मेरी गैरत को ललकारा है और इसका मुंह तोड़ जवाब भी मैं ही दूंगा। अच्छा क्या करेगा तू? आफ्टर ऑल मैं लॉ का स्टूडेंट हूं बड़े भैया, अपनी वकालत का ऐसा धोबी पटड़ा मारूंगा कि मेरे दुश्मन को कफन तो क्या गुस्सल भी नसीब नहीं होगा। जानते हो किसी लड़की के बेडरूम में बगैर इजाजत आना कितना बड़ा जुर्म है? अगर मैंने अपने गार्ड को बता दिया तो वो स्टेट अवे तुम्हें शेयर कर देंगे। ये भी करके देख लो, आई डोंट केयर। तुम मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे थे? तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का जवाब देने के लिए। तुम चाहते क्या हो? अपनी और तुम्हारी तस्वीरों की नेगेटिव, और हाँ वो जो तुमने कोर्ट में जाने की धमकी दी थी ना उस पर भी जरा गौर कर लेना, वरना तुम्हारी नंगी तस्वीरों के पोस्टर इस शहर की सड़कों पे दिखाई देंगे। नहीं नहीं मैं अभी नेगेटिव लाती हूं। ये लो नेगेटिव, अब इस कैमरे की फिल्म मुझे दे दो। फिल्म ही नहीं है। जी हाँ इसमें तो फिल्म डाली ही नहीं थी, वो तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपनी वकालत का एक छोटा सा हरबा इस्तेमाल किया था। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ बोलना तो सियासतदानों का प्रोफेशन है, मेरी रगों में एक शरीफ बाप का खून और मेरी तरबियत में
बड़े भैया की ईमानदारी का कुंदन शामिल है। किसी शरीफ लड़की को बेआबरू करना मेरे नजदीक संसार करने के काबिल है। मैं समझती थी कि तुम एक नीच और घटिया इंसान हो, मेरी सोच गलत थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, ऐसे इंसान जो चाहने के लायक होते हैं। तारीफ का शुक्रिया, गुड बाय। बड़ी देर लगा दी, काम हो गया क्या? हाँ भाई, उस लड़की ने तो तस्वीरों के नेगेटिव भी वापस कर दिए, मुझसे माफी भी मांग ली, और एक बात और भाई, उसने अपनी लाइकिंग का इजहार भी कर दिया। यस, ये हुई ना बात। अच्छा ये बता, तूने भी उस लड़की को आई लव यू बोल दिया कि नहीं? क्यों बड़े भैया से मुरम्मत करवाएगा यार? अरे यार क्या पता चलता है, पार्ट टाइम उस लड़की के साथ समझा करना। तेरा दिमाग चल गया? मेरा नहीं, तेरा चल गया। अरे पागल, जिंदगी में ऐसे गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। मुझे तो जिस दिन कोई अच्छा सा पीस मिल गया उसे फौरन बोल दूंगा आई लव यू। खबरदार। हाँ, और इस दास से दूर ही रहना, बड़े भैया का यही हुक्म है। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। सिद्रा, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, चलना नहीं? नहीं यार, मेरा आज ओवर टाइम है, बॉस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। ओके बाय। बाय। सर आप यहाँ क्यों? क्या हम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के कमरे में नहीं आ सकते? लेकिन सर आपने दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? इसलिए मेरी जान कि आज हमारा तुम्हारे साथ भी पर्सनल मुलाकात करने का इरादा है, इसीलिए तो हमने सारे स्टाफ को आज 9-11 कर दिया है। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। चली जाना मेरी जान, पहले अपने हुस्न का टैक्स तो अदा कर दो। छोड़ो मुझे। जल्दी कहाँ है तू? आज मैं ही छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे। आज अपनी प्यास बुझा के छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। रईस अली, पकड़ो इस लड़की को। ओके सर। ये लो। मुझे बचा लो भैया, वो गुंडे मेरे साथ हमला करना चाहते हैं। ओए ओए औरत, जात से बचो, लाहौल वाला पढ़ो। तोबा तोबा, किधर से आ गई? ओए इसने हमें भाई कहा है। हैं? किसी लड़की ने हमें जिंदगी में पहली बार भाई कहा? तुम्हें पहली बार किसी लड़की ने कहा होगा? मुझे तो हर लड़की मुंह उठा के भाई कह देती है। मैं तो बड़ा मशहूर हूँ, चानी भैणा वाला। भैया प्लीज। सुन लिया, हमें ये बार बार भाई कह रही है। पंजाब का भाई अगर अपनी बहन की मदद ना करे तो फिर वो बेगैरत कहलाता है। ए, इसे हमारे वाले कर दो। ये कोई भैंस बकरी है जो तुम्हारे हवाले कर दे? तो ये क्या तुम्हारी बहन लगती है? लगती है क्या मतलब, समझ लो हमारी बहन है। हेलो, हम तुम्हारी तरह कंजर नहीं है जो लड़की हमें भेज दें। हम बकायदा बैंड बाजे के साथ डोली में बिठा के रुखसत करेंगे। फिर तो तुम्हें इसकी डोली और अपने जनाजे अभी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी उठा लेते हैं। Boy! 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 Boy!
मामी हा? तुम लड़की को लेकर गाड़ी में जाओ, मैंने खोता डीजल करा लिया है, मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा चला, मुझे अपने घर लेके चल, हीरा मंडी लेके चल। मैं किस तरह आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बाय द वे ये गुंडे कौन थे? मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ उसका बदनीयत मालिक और उसके मुलाजिम थे। ऑफिस में काम करती हो, घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं? सिर्फ एक माँ है, बाबा साल पहले ट्रैफिक के हादसे में हलाक हो गए थे और उनकी मौत के बाद मेरे पास जॉब करने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्या अपने दोनों भाइयों को अपनी माँ से मिलवाना पसंद नहीं करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। वैसे भी मैं लड़ के काफी वीक हो गया हूँ, चाय ठंडा पी लेते हैं। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि उसने मुझे तुम जैसे जवान और अजीम बेटे अदा किए हैं। माँ जी बस आज के बाद हमारी बहन नौकरी नहीं करेगी। नौकरी नहीं करूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? घर हम डीजल पे करा लेंगे। मेरा मतलब है कि माँ जी ये दो जवान बेटे आपके किस मर्ज की दवा हैं? आपकी सारी दवाई और घर का सारा खर्चा अब हमारी जिम्मेदारी है, बस। जीते रहो बेटा, वो कितनी मुकद्दस माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जी उन्होंने पैदल हज भी किया था। माँ जी अगर आज वो जिंदा होती तो शायद आप ही की तरह होती। माँ जी अब हमें इजाजत है क्योंकि बड़े भैया दो नाली बंदूक बन के हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी उनकी एक नाली बंद रहती है और दूसरी में बच्चे बैठे रहते हैं। आइए। ओके खुदा हाफिज। ये भी रख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? क्या बताएं बड़े भैया, उधर भी प्रॉब्लम इधर भी प्रॉब्लम, हम दोनों भी एक प्रॉब्लम में फंस गए थे। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? एक लड़की बेचारी बड़ी मुश्किल में थी, उसे जरा गुंडों से बचाते हुए हम थोड़ा लेट हो गए। आज का नया ड्रामा। क्या बात है, आजकल लड़कियों के बड़े केसेस अटेंड हो रहे हैं, जबकि इस घर में मेरा ऑर्डर है कि कोई भी लड़कियों के करीब नहीं जाएगा। वैसे भी जुल्म के खिलाफ लड़ना आप ही का दिया हुआ एक सबक है बड़े भैया। उस लड़की ने हमें बहन बना लिया। नहीं मेरा मतलब है कि उसने हमें भाई बना लिया। और तुम दोनों ने? हमने उसे बहन कह दिया। हाँ गुड, शादी से पहले सब बहन ही कहते हैं। अबे तू क्या पानी भरे हुक्के की तरह गुड़गुड़ कर रहा है? हाँ तुम बताओ क्या चक्कर है? आपके सर की कसम कोई चक्कर नहीं है, बल्कि खुशी की खबर है। वो मगरूर लड़की है ना, उसने इससे माफी भी मांग ली है और नेगेटिव भी वापस कर दी है। ओह गुड, इस पंगेबाजी से दूरी रहना चाहिए। जी भैया, लेकिन आप ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं? मैं चार दिन के लिए कराची मीटिंग में जा रहा हूँ। मेरे बाद तुम दोनों इस घर का और अपना ख्याल रखना, और मेरे कोडू का भी। और याद रहे इस घर के उसूल नहीं टूटने चाहिए, वरना तुम्हारे सर टूटेंगे। भैया आपके उसूल और हम तोड़ेंगे? तोबा तोबा तोबा। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे छोड़ने कौन जा रहा है? मैं खुद, क्योंकि इसने तो अभी पढ़ना है और ये इस काबिल नहीं कि आपको छोड़ सके, ये तो अभी खुद उंगली पकड़ के चलता है। अच्छा तो ये सामान उठाओ। ओके कमी। ओके बड़े भैया, गुड लक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाटा। खुदा हाफिज। चलो कौन हो तुम, गाड़ी में क्या कर रही हो? नजर नहीं आता लड़की हूँ और तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में बैठी हो? जी। आसमान से उतरी हो, सीट के नीचे से पैदा हुई हो, या तजर्बा है कोई? चलो नीचे उतरो। नहीं। चलो सीट गंदी ना कर देना। छोड़ो मेरा। चलो नीचे उतरो। कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँ, इस बुरे वक्त में कौन मेरा साथ देगा? या अल्लाह मैं उस नेक बंदे को कहाँ से तलाश करूँ, जीऊँ या फिर मर जाऊं, मैं क्या करूं? मर जाती हूँ, सुनो मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मर जाओ। तुम्हारा यार होने का कोई फायदा नहीं, उधर जाके मरो। मेरे गले क्यों पड़ गई हो? मैं एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ जिसकी जवानी और खूबसूरती अपने पूरे माँ बाप पर बोझ बन गई है। वो मेरी शादी तुम जैसे गबरू गबरू जवान से करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जहेज के लिए पैसे नहीं है। सुनो क्या तुम जहेज के बगैर मेरे साथ शादी करोगे? कर लो ना, कर लो ना।
कर लो ना। शादी इस तरह तो मैं कर ही लूंगा। क्या बकवास है? मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैं 500 किलोमीटर दूर के एक गांव अलीपुर से अपना जहेज बनाने तुम्हारे इस बेदर शहर में आई हूँ। अच्छा, जहेज बनाने के लिए आई हो? पैसे हैं तेरी जेब में? पेट में दो दिन से खाना नहीं है, उनसे चिड़च कुढ़ुल पै रहे ने, चूहे क्रिकेट खेल रहे ने, जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैंने सोच लिया है, मेहनत मजदूरी करूंगी, सब कुछ करूंगी, पैसे कमाऊंगी, बस। सब कुछ करोगी? मेरा मतलब है, लोगों के कपड़े धोऊंगी, बर्तन धोऊंगी, लोगों के घरों का काम करूंगी और अपना जहेज बनाऊंगी। और तुम जैसे किसी खूबसूरत और अजीम इंसान की बीवी बनूंगी। ओह गॉड, बड़ी पहुंची हुई चीज लगती है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे रहने के लिए खोली, पेट भरने के लिए रोटी और मजदूरी के लिए काम दे दो, अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती में और इजाफा करेगा। मेरे पास तुम्हें रखने के लिए यतीम खाना, खाने के लिए होटल और मजदूरी के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो। या अल्लाह, तेरी ये दुनिया नेक बंदों से खाली हो चुकी है, मैं कहाँ जाऊँ, किसको दिल का हाल सुनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना? ओए 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 ओए, ये गमगीन महफिल मुसीकी बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। सच? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तितली। हाय, आई गांव से है और नाम है तितली। चलो बैठो। सुनो, आगे बैठूंगी। फिर आदत पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ओ बिस्मिल्ला, ओ मैं सदके, मेरा शहजादा आया। ओ यार, कहाँ थे तुम? इतने दिन लगा दिए, कहाँ गायब रहा? खलीफा, मसरूफियात कुछ बढ़ गई थी। वैसे भी मैंने खिदमत खल का इदारा खोल रखा है। हाय हाय, खिदमत खल कर वो भी इतनी हसीन। ओ यार, ये तो खिदमत कुल आलम है। हाय हाय हाय। हेलो, ओए नीचे उतरो, आगे बैठने का बड़ा शौक है ऐसे, आगे से भी आगे बैठती है, नीचे उतरो। वैसे यार, ये है कौन? बस खलीफा, ये अल्लाह का माल है। ये अल्लाह का माल मुझे दे दो। बेटा, ज़कात में ऐसी चीजें नहीं मांगते। तेरे मर्चेंट साई। खलीफा, आज से ये तेरे हवाले। क्या? ये काम कब से शुरू कर रखा है? और बकवास बंद करो, ये गरीब और मजबूर लड़की है, वर्कशॉप में किसी काम पर लगा लो और घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो, बस। ओ ना 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 ना, और नूरजहां बेगम को पता लग गया तो उसने पीली पत्ती और राजा जानी की पी के थूक थूक के मुझे जिंदा दरगोर कर देना। यार, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना कि अपने घर का फाटक औरतों के लिए बिल्कुल बंद है। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, तुम मेरे दोस्त हो ना, अब ये संभालो और मैं चलता हूँ। बड़े बेवफाओ जी, मुझे छोड़ के खुद जा रहे हो? और मैंने कब तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई थी? तो अब खा लो ना। क्या? फिलहाल तुम डीजल और पेट्रोल की हवाएं खाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। हाँ, हाँ, ओए, मेरी बात तो सुन। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, चोड़ो मुझे, चोड़ो, छोड़ मेरे पार्टिया ना साला। मेरी नासे कैसी रहेगी? घरेलू जेलस। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? कुछ मत करो, सिर्फ दोस्ती का हक अदा कर दो भैया। भैया, ये किसको कह रही हो? तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे भाई जैसी है, वही आंखें, वही टेंड, वही पार्टियां नासा। मेरी शक्ल नहीं, मेरे मुकद्दर ही ऐसे ने। बहरहाल, नूरजहां बेगम से जान छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका तो तलाश कर रही है। अब आ सुनो, अगर घर में शिकायत लगाई ना तो मैं छालिया की तरह कुदर के रख दूंगा। उस्ताद, इसे यहाँ रख ले, हमारा भी दिल लगा रहेगा। हाँ, दिल लगा रहेगा। आओ चले चले चले।
आए छोटे। पहलवान उस्तानी आई हो मेरी। किधर तेरा उस्ताद साला? कमरे में है जी। अंदर के अंडों पर बैठा है? अंडों पर नहीं बैठा, नाक के साथ गड्डी कस रहा है। शकका कर लो। बड़ी गल है भाई। औसान मेरे नक से मक्खी उड़ा गई हो। हाँ, बाहर निकले शोहर। नूरजहां बेगम, आप किस तरह गैर सरकारी दौरे पर तशरीफ ले आई? अबे साले, तुझे यहाँ मेरा ना बुरा लगता है क्या? मेरी सरकार, आप और बुरा वक्त किसी वक्त भी आ सकते हैं। बकवास बंद कर। अच्छा जी। अश्के भाई अश्के, ओए ए, ओए, ये लौंडा कौन है बे? लो जी, ये एक इल्जाम रह गया तो वो भी लगा दिया। आज ही रखा है नया, बहुत अच्छा कारीगर है। तुझको कैसे पता है बे? इसने 2-3 इंजन मेरे सामने खोले हैं। तुम्हारी खिदमत खातिर भी कर दिया करेगा। बड़ी गल है भाई। ओए, सदके जावा। अबे ओ चिकने, क्या नाम है तेरा? आशिक नाम है इसका, और अब तो ये यहीं पे रहेगा। अबे चल बे, इससे तो मैं अपने साथ घर में रखूंगी। अबे क्या लौंडियों की तरह शर्मा रहा है? शाम को खलीफा के साथ घर आ जाना। वैसे भी हमारे जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी मुट्ठी चापी करवा लेंगे। क्यों, भैया को मुट्ठी चापी नहीं आती? इनकी चापी में मुट्ठी नहीं रही। मेरी मुट्ठी में वो जोर नहीं जिससे इनकी चापी को आराम आ सके। अब तो ये सिर्फ मुट्ठी ही रह गई है। अबे चल बे साले, काम कर, शाम को जल्दी घर आ जाना। चिकने और चिकने। भैया, अब क्या होगा भैया? बोला क्या है, अब यहाँ मेरा मकबरा बनेगा। लड़की उसने फंसा ली है, निगरान वजीर आजम मैं बन गया हूँ। तू तक तू तक तू तक तू तिया ए जवानी।
तितली, तितली मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आई लव यू तितली, आई लव यू। हटो। क्या दौरा पड़ गया है? अच्छे भले ख्वाब का सत्यानाश करके रख दिया काम ही तुमने। मैं तितली के इतने करीब बल्कि अन करीब पहुंच चुका था कि तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो आजकल ख्वाब में तितलियां पकड़ रहे हो हैं? यार तितली एक अदद लड़की का नाम है। चुप चुप चुप, तेरी जुबान पर लड़की का नाम? बड़े भैया को मालूम हो गया तो तेरे मुंह में अंगारे भर देंगे। हाँ अंगारे भर देंगे, जैसे तुम्हारे मुंह में उन्होंने बड़े अंगारे भर दिए हैं। तेरा जो वो क्रिच क्रिच तस्वीरों वाली के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। झूठ बोल रहा है तू, बकवास कर रहा है। तेरे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तू उस लड़की के साथ ची पटाखता कर दे बाग क्रीच। बेटे आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। चलो यही समझ लो, फिर भी बड़े भैया का एहतराम हम पर वाजिब है। एहतराम अपनी जगह पे है भाई, लेकिन ये जालिम दिल भी तो कोई चीज है, कभी कभी इसका भी कहना मान लेना चाहिए। तुम दिल की बात मानो, मुझे सोने दो। जो सोता है वो बिल्कुल खोता है। आज हम अपने दिल की बात जरूर मानेंगे। तितली, हाय, तू तो मेरे दिल के तख्त हजारे का रांझा है रे। मैं ये केला तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, ले खा ले। नहीं जी, मैं ये नहीं खा सकता जी। तू तो बड़ा जालिम है रे। अगर जिंदगी में नूरजहां बेगम का दिल किसी पर आ ही गया है तो उसे कांच के खिलौने की तरह ना तोड़। ले खा ले, खा लेना। ये क्या कर रही है जी? मशरकी औरत अपने खावन के साथ बेवफाई नहीं कर सकती जी। उस्ताद जी ने हमें देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे जी? दफा कर अपने उस्ताद निकम्मे को, उसे तो सिर्फ गाड़ियाँ ठीक करनी आती है। वो तो औरत के दिल को ट्रक का डीजल इंजन समझता है। जानू तू तो ऐसा नहीं है ना रे? नहीं जी, मैं वैसा भी नहीं हूँ जी। नहीं जानू, प्लीज। मैंने कहा नूरजहां बेगम आए सब के जाऊं, ये लौंडा मैंने वर्कशॉप के कामों के लिए रखा है, तुमने इसे घर में कैद कर लिया। ओहो शोहर, तुम तो हर रक्षा करते रहते हो। पता क्या मैंने क्या सोचा, ये लौंडा जरा कमजोर शमजोर सा है, जरा फ्रूट शूट खिला दूं ताकि सेहतमंद हो जाए। आपके सदके जाऊं, क्या बात है, सारी जिंदगी हमारी सेहत की तो फिक्र ना हुई, उल्टा शुगर होने की दुआएं मांगती रही, और लौंडा घर में आया है तो आते ही टहल सेवा शुरू। ओए वर्कशॉप चल, आज गाड़ी का इंजन खोलना है। उस्ताद जी चल, मैं नहाकर आता हूँ। नहाकर समझा करे ना उस्ताद जी। मैं भूल गया था यार, आप जरा पाबशीर के घर तक चलेंगी, वहाँ मैंने कमेटी देनी है। चले शोहरे नामदार। आओ मेरे भाई लियास नामदार। वो क्या हुआ? शायद मौज आ गई है। जानू तुम अकेले ही चले जाओ। आए कोई बात नहीं मेरी जान, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। आशिक उसल खाने में है, वो नहा ले तो उसे वर्कशॉप भेज देना। तुम्हें तो पता है कि मुझे अकेले से इंजन नहीं खुलता। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दमा दम, दिल में बसा लूंगी तुझे दम दमा दम। ये मैंने क्या देख लिया, इतना बड़ा धोखा। साढ़े दिल ते चुरिया चलाइया, सानू कतिया वांग कसाइया। कसाई खलीफा, तूने मुझ पर सौकर रख ली, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बाहर निकल रही, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझ पर तेरा असली रूप आजा हो गया है। बाहर निकल, बाहर निकल, चलना मैं कहती हूँ बाहर निकल, मैं कहती हूँ बाहर निकल। क्यों रे, तेरा नाम आशिक है और तू गाड़ियों का अच्छा कारीगर है। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, उस बेवकूफ ने तुझे यहाँ पर अपनी अयाशी के लिए रखा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जवान लड़की को घर में रखता है, नहीं छोड़ूंगी तुझे। या अल्लाह यार, ये तो पानीपत का मैदान लग गया। अब एक मिनट भाभी, एक मिनट, क्या हो रहा है?
गंजे भी किसी के काम आते हैं। ऐसे लड़ो ऐसे, भाभी मेरी बात बाहर से सुनो। क्यों किसी को मारता है? हाँ जी भाभी, भाभी मेरी बात गौर से सुने, ये खलीफा की कुछ नहीं लगती, मेरी कुछ लगती है। साहब मुझे भी ट्राई करने दो। आपको तो पता ही है ना कि हमारे घर में औरतों का दाखला बंद है, इसलिए मैं इसे खलीफा के पास छोड़ गया था। तुम सच कह रहे हो देवर जी? मैं सच कह रहा हूँ भाभी। सुनो अब मुझे छोड़ना नहीं। अब छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है। हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया देवर जी, मैं तुम्हारी मेहमान को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर रखती। सुरमा तो इस बेचारी का बन जाना था अगर ये मौके पर ना आता। हाँ भाभी मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ कर दे। मुझे भी तुम माफ कर दो। पहले आप, पहले तुम, पहले आप, पहले तुम, पहले आप, तुम। ओए और ये माफी का चक्कर छोड़ो और जल्दी से जाके अच्छा सा ड्रेस पहन के आओ। क्यों? क्योंकि बड़े भैया शहर से बाहर गए हुए हैं और तुम्हारा उस घर में सकाफती दौरा हो सकता है जहाँ औरतों का दाखला बंद है। लेडीज नॉट अलाउड। नाउ इट्स अलाउड। एनीबॉडी होम? औरत इस घर में बिग प्रॉब्लम। फरमाइए। मैं हूँ कौडू। तुम्हारा क्या, अचार डालूं? नहीं मेरा मुरब्बा डाले, मैं बहुत मीठा हूँ। खाने के बाद ऐसे ऐसे कीजिए। शट अप। कामरान का है? वो जी वो है जी। तुम यहाँ? बाहर लगी हुई प्लेट नहीं पड़ी तुमने? पड़ी थी, उतार कर गिरा दी और अंदर आ गई। तुम तो जाओ यहाँ से, कबाब में हड्डी देखते नहीं दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं। एक तो छोटा होना भी मुसीबत है। छोटे भैया अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना, और हमने तो जवानी बड़ी मुश्किल से संभाली हुई है। क्यों आई हो? तुमसे मिलने। क्यों? जी चाह रहा था। प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। ना जाऊं तो? कुछ जबरदस्ती है? हाँ अगर तुम मेरी चाहत का जवाब चाहत से नहीं दोगे तो कुछ काबिल एतराज नेगेटिव मैंने भी बचा कर रखे हुए हैं। मैं वो तुम्हारे औरत बाजार भैया को पेश कर दूंगी और बता दूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम ऐसा नहीं करोगी। फिर तुम भी ऐसा नहीं करोगे। आखिर तुम चाहती क्या? सिर्फ एक बात। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं। तो फिर खाओ अपने भैया के सर की कसम। अच्छी लगती हो ना? हाँ लगती तो हो। फिर कहते क्यों नहीं? क्या? यही के आई लव यू। आई लव यू। तेरे भी मेरा जिया ना लगे।
लगे, अखियों में कोई दिया ना जगे, जाने मन जाने जा, हाँ मेरे पासा ओ मेरे दिल रुबा, के तेरे बिन जिया ना लगे, के तेरे बिन जिया ना लगे। टकराते हैं ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, दिल से दिल जब टकराते हैं ख्वाब हकीकत बन जाते हैं, ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। दिल से दिल मिल गया अब न हो ना जुदा, के तेरे बिन जिया ना लगे, के तेरे बिन जिया ना लगे। आ मेरे फासला ओ मेरे दिल बरा, के तेरे बिन जिया ना लगे, तेरे बिन मेरा जिया ना लगे, अखियों में कोई दिया ना जगे, जाने मन जाने जा, मेरे फासला तो मेरे दिलवा, के तेरे बिन जिया ना लगे, के तेरे बिन जिया ना लगे। गजल, मुझे जीशान कहते हैं, मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं, और मुझे मालूम है इसलिए कि मैंने इस घर में दाखिल होने से पहले मुकम्मल इंक्वायरी कर ली थी। वेरी गुड, फिर इनसे मिलिए। ये है मेरी तितली। हेलो तितली। हेलो, क्या हाल है तितली? ये मेरा छोटा भाई है और ये इसकी गजल, और जब ये बोर होता है ना फिर सुकून से बैठ के ये गजल गुनगुनाता है। जब तुम बोर होते हो तो क्या करते हो? फिर मैं अपनी तितली पकड़ता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने चार, चांजर दी पावा चने का। बेटा, बड़े भैया को मालूम हो गया कि उनके उसूल टूटे हैं, तो अपने ब्लड प्रेशर के बम से हम चारों के चीथड़े उड़ा देंगे। मेरा तो दिल घबरा रहा है। शुक्र है कच्चा पक्का नहीं हो रहा। तुम ये आइसक्रीम लो। थैंक्स। अब बड़े भैया के जासूस कोटू पे नजर रखो।
आज बड़े दिनों के बाद अपने दिल के अरमान पूरे करने का मौका मिला है। मेरी जान, उधर वो चारों भी अपने इश्क की किताबें खोल कर बैठे हुए हैं। केला खाओ, प्यार किया तो डरना क्या जी। मुझे केले नहीं, सेब अच्छे लगते हैं, क्योंकि सेब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। खाक अच्छे होते हैं, मैंने इतने ज्यादा खाए, उतने का उतना ही हूँ। नहीं जानू, सेब खाओ ना। केला खाओ, केला खाओ मेरी जान। भैया बैठ। क्या हो गया? फिर अल्लाह की जमीन है, फिर टूर। फिर क्यों अटक गई आपकी गाड़ी? देखो आज बड़े भैया कैदों के रूप में वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। तुम लोगों की इत्तला के मुताबिक तो मुझे दो दिन बाद घर आना चाहिए था ना, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों भाइयों की जुदाई ने मुझे इस कदर परेशान किया कि मुझे वापस आना पड़ा। और यहां आकर तुम लोगों की फरमाबरदारी और सादत मंदी का वो मंजर देखा है कि दिल बाग बाग हो गया है। बड़े भैया वो खबरदार, अगर तुमने अपनी जबान से मुझे भाई कहा तो जबान काट कर हथेली में रख दूंगा। तुम मेरे भाई नहीं, मुनाफिक हो, मुनाफिक। तुमने उसूल तोड़े हैं मेरी साथ के, मेरी जिंदगी के और इस घर के। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर जवान किया था? क्या इसीलिए इतनी मेहनत मजदूरियां की थी? तुम्हें सुख की छाव देने के लिए जिंदगी भर दर्द की धूप में चलता रहा? इसका कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारा इस घर के मामले से कोई वास्ता नहीं। मैं इन दोनों से बात कर रहा हूं जिनकी रगों में मेरे बाप का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने औरतजात का गुलाम बनकर अपने बाप जैसे भाई की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। दो कौड़ी का करके रख दिया है मुझे, आज अपने आप से शर्म आ रही है मुझे इनको अपना खून कहते हुए। आई एम सॉरी बड़े भैया। शट अप। तुम दोनों ने आज मेरे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा है कि जिसका निशान मैं मरते दम तक नहीं मिटा सकता। खून किया है तुमने मेरे भरोसे का, मेरे अहतमाद का। आज के बाद तुम दोनों का मुझसे और इस घर से कोई वास्ता नहीं। मेरी चाहतों के बनाए हुए अनमोल मिट्टी के इस घर से तुम दोनों का कोई वास्ता नहीं। अगर तुम दोनों में जुदाई सहने की हिम्मत नहीं तो किसने कहा था कि बड़े भैया के उसूलों से पंगा लो? खलीफा, तुम्हें जल्दी पर तेल डालने के सिवा और कोई काम नहीं। बेटा, पूरी कौम का ये महबूब मशगला है, जहां थोड़ी सी जलती देखी वहां तेल डालकर फट धमाके का मजा लिया। हम तो ये सोचकर परेशान है कि पता नहीं बड़े भैया किस हाल में होंगे। पता नहीं उन्होंने खाना वाना खाया होगा के नहीं। तो तुम दोनों ने कौन सा मुर्ख मुसलम खा लिया है? दोपहर से फाके की हालत में हो, ये लो खाओ। हमें भूख नहीं। ये सब कुछ मेरी और गजल की वजह से हुआ है। ना मोहब्बत का रोग लगता और ना नौबत यहाँ तक पहुँचती। तो छोड़ दो इस मोहब्बत को, ये कौन सा डॉक्टर का बताया हुआ नुस्खा है जिसके बगैर आराम नहीं आ सकता? भड़काने की कोशिश मत करो खलीफा, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है और हमें हो चुकी है। तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने में सिर्फ दो मिनट बाकी है, बेहतर है तुम बड़े भैया को छोड़ दो। रू के बगैर जिस्म कैसे जिंदा रह सकता है? ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। बड़े भैया के पाँव में गिरकर माफी तो मांगी जा सकती है ना? हाँ, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम दोनों, ओ यार बड़े भैया दिल के भी बहुत बड़े हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरे दोनों देवर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चल यार, कोशिश करके देखते हैं। आप लोग हमारे लिए दुआ करना। बेटा, मैं तो तेरे लिए हर दरगाह पे दुआ करूंगा। चल शनी।
महाज ते नहीं चल रहा। हमारी मोहब्बत की लाज रखना परवरदिगार। तुझे पता है निशान, बड़े भैया मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। पागल हो गया तू, मुझसे ज्यादा करते हैं? मुझसे करते हैं। तूने मुझे मारा? हाँ। तुझे मारना भी नहीं आता? तुझे आता है? ऐसे मारते हैं, ये देख। तू पागल है। मुझसे प्यार ज्यादा करते हैं? मुझसे करते हैं। तेरी तो मैं, अरे जाके अपनी आंखों का इलाज करा। पड़ूंगा नहीं तुझे। अबे क्यों एक दूसरे को मारा? मैं तो तुम दोनों से जैसी मोहब्बत करता हूँ। बड़े भैया, अगर आप कहें तो मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊं। नहीं कोडू, उनके खून में मेरी मोहब्बत का एक कतरा भी शामिल होता तो वो कब के खुले दरवाजे से अंदर आ गए होते। बड़े भैया, आपके मुजरिम हाजिर हैं। भैया हमें माफ कर दें। तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला सारा खून आपकी अमानत है। बेशक आप चाहें तो ये खून किसी ब्लड बैंक को भी दे सकते हैं। ब्लड बैंक को क्यों दे? इससे बेहतर है कैसे दे दें, ये बड़ा हो जाएगा। अगर ब्लड बैंक को सारा खून दे दिया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं, हम बड़े भैया की याद दिल में लिए मर जाएंगे। बस कर जाओ नलायक को, बस कर जाओ। तुम दोनों तो एक ही रात में मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया है। अब कभी नाफरमानी करोगे? कभी नहीं बड़े भैया, बिल्कुल नहीं। सुबह होते ही हम दोनों अपनी अपनी वालियों को हाँ। तीन तलाके भिजवा देंगे। वो दोनों मुझे दे देना ताकि तेरे मजे हो जाएं। दो दो नाले चोपड़ियां जाना है ना। निकाह से पहले तलाक कैसे हो सकती है? ऐसे वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। तेरे मिलने की
जो दुआ न करे। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम दोनों को जहर की एक एक पुड़िया खिला दो। क्यों वादा किया था बड़े भैया से हमें छोड़ने का? मजबूरी थी जानू, समझने की कोशिश करो। ए, बोलता क्यों नहीं है? कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा है। ये क्या बोलेगा बेचारा? हम दोनों तुम दोनों का मिलकर जुलूस निकालेंगे। सुन लिया तुमने? कातिल हो तुम मेरी मोहब्बत के, खून क्या है तुमने मेरे एतमाद का? करेक्ट, हम तुम दोनों को अदालत में लेकर जाएंगे। एहतसाब होगा तुम दोनों का, सारी दुनिया नेटवर्क पर देखेगी तुम्हें। हम बीबीसी लंदन है, नेटवर्क पर देखेंगी। चुप करके बैठो, अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ, अभी बताओ। बको बको। देखो, ना हम तुम दोनों को छोड़ सकते हैं, ना बड़े भैया को। और वैसे तुम मुझे पसंद भी नहीं हो। बकवास मत करो, ये तो सीधी सीधी मुनाफकत है। मुनाफकत? मुनाफकत नहीं, इसे सियासत कहते हैं। एक ही बात है। देखो भाई, कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सांप मर जाए या लाठी टूटे, जो भी हो मुझे बता देना, मैं जा रही हूँ। गजल, गजल, इसे जाने दो। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या? और उस तरकीब का नाम है सिद्रा। नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो कीमत थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हाँ, हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे अपनी बड़ी बहन के दरवाजे पर। क्यों भैया? हाँ, बहन भी बड़ी जो माँ के बराबर होती है। औरत का दिल तो वैसे भी नरम होता है। औरत इस दुनिया में कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। कुछ भी कहो, ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। हाँ? तो फिर ठीक है, अगर तुम हमारी दरख्वास्त पर अमल नहीं करोगी तो हम तीनों अपने गले में फांसी का फंदा डाल के तुम्हारे दरवाजे के बाहर अपनी जान दे देंगे। हाँ? और इस तारीखी हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर आयद होगी। तुम पर? रस्सी किधर है? रस्सी लाओ, रस्सी किधर है? ये मेरे, ये किधर है? ये पकड़ो, मुझे पकड़ो, पकड़ो गले में डालो। खींचो, खींचो, चोंच लगाओ। तुम्हारे हाथ में? अच्छा, मेरे हाथ में। खींचो भैया, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, नाउ स्टॉप इट। अच्छा ये बताओ मुझे करना क्या होगा? शुक्र है मैंने जोर से नहीं दबाया। बेबी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने भी आहिस्ता ही पकड़ी हुई थी। अच्छा, सिर्फ करना ये है, एक अदद लड़का फंसाना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें आता होगा। चलो मैं बता दूंगी, ऐसे ऐसे। इससे बड़ी अच्छी तरह आता है, इसे मुझे एक दिन में फंसाया था। ये कोई मुश्किल काम है? लड़की, चल तू चला, तू आई बला को डाल दू। चल तू चला, तू आई बला को डाल दू। ए, हेलो हेलो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ? सॉरी, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, मैं एक नए मॉडल की गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, बिल्कुल अनयूज्ड, अनटच, आपकी तरह। जी, मेरे, जी जी, और इस गाड़ी में अगर एसी के साथ, ओह माय गॉड, छिपकली! आप मुझ पर गिरे हुए हैं। जी जी, ओह आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, फिर आगे छिपकली। वाओ छोटे,
लगता है अपना तीर एक तरफ नहीं दोनों तरफ निशाने पे बैठा है। अभी तो इब्तदाए इश्क है, देखिए इंतहा क्या होगी। छोटे हाँ। इससे आगे हम नहीं देख सकते, उन्हें अपना काम करने दे। चला। आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? रोमांस हो जाएगा जी। बाय द वे आपका वजन काफी है जी। जी हाँ। ओ अगेन आई एम सो सॉरी, फिर कभी आइएगा जी। दिल की ताकत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वैसे भी आजकल आपके दिल का काम जारी है। भगो मत, जाओ यहां से। वो एक आधा आप भी खा लेते। मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। ला मुझे दे और सिद्रा बेटी आखिर कब तक बारिश में भीगती रहोगी? आज भीगना अच्छा लग रहा है माँ। आज तो अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं बड़े भैया। जैसे चलते हुए तवे पर पानी के छींटे पड़े ना तो शां शां की आवाजें आती हैं। इसी तरह आपके जिस्म से शू शू की आवाजें आ रही हैं। बड़े भैया अभी तक शू शू। अब शट अप, जाओ यहां से जी। आउट। अच्छा जी किधर? अच्छा इधर। बड़ी शराब की तुम। ये लो बेटी गरम गरम चाय। चाय में बर्फ डाल दो माँ। बर्फ डाल दूँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया लड़की। देखा तो नहीं है मगर जाने गजल ऐसा लगता है कि सुबह तुझे देखा है, तुझे देखा है, तुझे देखा है। तुझको देखा तो नहीं है जाने गजल ऐसा लगता है कि सुबह तुझे देखा है, तुझे देखा है, तुझे देखा है।
लगता है कि सौ बार तुझे देखा है, तुझे देखा है, तुझे देखा है। आने वाली खातून से क्यों मिलती है? आपको गलत फहमी हुई है बड़े भैया, जरा गौर से देखें। जरा इन्हें गौर से देखें। नेवर माइंड, अक्सर होता है जो चेहरे इंसान के दिल में नक्श हो जाते हैं वही हर चेहरे में दिखाई देने लगता है। एनी हो, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इससे नींद आ जाएगी। ये दवाइयाँ आप बाजार से ले आए। बड़े भैया टीका बच्चों वाली जगह पे लगवाया। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आए मैं आपको छोड़ाता हूँ। कोडू क्यों? बड़े भैया का ख्याल रखना। ये गिर पड़ते हैं। बकवास बंद करो, मुझे और कामी को अभी एक और घर की भी तलाशी लेनी है। ओहो, ये लो बेटे गरम गरम चाय पी लो, ठंड का बुखार है। उतरे की जोड़ी कहाँ से निकल आई? आंटी कल रात से मेरी बाई आंख फड़क रही थी, मैंने सोचा चलो सिद्रा को देखा। ओहो, ये तो सही, रात बारिश में भीगती रही है इसलिए बुखार चढ़ गई। क्या चक्कर सिस्टर, बारिश बरसात भीगना, उधर भी अल्लाह खैर करे। ये इधर उधर का क्या चक्कर है? कुछ नहीं आंटी, वो आप जाए अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाए। अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ। एक लगाऊं फसाने लगा था। पीछे दोनों तरफ है बुखार बराबर चढ़ा हुआ, उधर भी और इधर भी। असल बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो सिस्टर, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। खाम दोनों की कसम, कहीं बड़े भैया के साथ अनजाने में कोई अट्टी सट्टी तो नहीं हो गई है? हाय, इसका मतलब है कि अब आई ना चींटी पहाड़ के नीचे। यस, हम तो पहले ही चाहते थे कि हमारी मुंह वाली बहन हमारी प्यारी सी भाभी बनकर हमारे भैया के दिल पर राज करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों क्यों? ये इसी तरह बुखार चढ़ा बिस्तर पर रेटी नहीं ना तो समझो हमारी मोहब्बत की मोमबत्तियां गुल हो जाएंगी और हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। खुदा ना करे। तो आप खुद कुछ करें ना फिर। हिम्मत करो, बिस्तर छोड़ो, चलो। भाभी लोहा गरम है, चल के अपने प्यार की छोटी सी एक हथौड़ी उस पे मारें। अगर आपने ये काम ना किया तो लोहा ठंडा हो जाएगा, तो समझो हमारी मोहब्बत की स्टील मिल भी बंद हो जाएगी। अच्छा बाबा, तुम दोनों ना मुझे
पक्का बेशरम बना के छोड़ोगे। अच्छा आप हमारे लिए बेशरम, मेरा मतलब है कि इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। भाभी इससे पहले कि भैया उड़ जाएं, आप जल्दी से हमारे साथ चलें, चलें, चलो चलो। अच्छा सुनो वो... ये मैंने पी लिया, जूतियां मैंने पकड़ ली। क्या कर रहा है कोडू, मेरे होंठ जल जाएंगे। इधर दिल की बस्ती जलकर राख हो गई है, उसका एहसास नहीं। अपने होठों का बड़ा ख्याल है आपको। आप और यहाँ? मेरा यहाँ ना बुरा लगा आपको? नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ औरतों का आना मना है। मैंने दरवाजे के बाहर से वो प्लेट उतार दी है। क्यों? इसलिए कि औरत का सहारा लेना मर्द के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल नहीं। चुप्पी। क्यों, एक डरे हुए मर्द ने औरत की बाहों का सहारा ले लिया ना? मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? गोडू। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। कहाँ मर जाए नालायक। टैक्सियां? नहीं भाई ये गाड़ियों का शोरूम है। अखबार। हाँ भाई मुश्ताकियां क्या हाल है? ठीक हूँ जी। ठीक है, इधर लाओ यार। अखबार पढ़ने को तो दिल ही नहीं करता, वही रोज की खबरें, कत्ल, अगवा, डकैती, गैंगरेप, फलां फलां। तो मत पढ़ो अखबार यार, इधर लाओ। और यार मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कार्टून वाला सफा देखूंगा और फिल्म में देखूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लगी है। नरगिस का ड्रामा किधर है यार? एक लड़की उम्र 17 साल, नाम कायनात, नाराज होकर घर से चली गई है। घर पहुंचाने वाले को 2 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अगर कायनात खुद पढ़े तो घर चली आए उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। सेठ दौलत खान, H-53 डिफेंस 2, लाहौर। बेटे आपने अभी तक ये नहीं बताया, मेरा मतलब है आपका खानदान, आपका मोहल्ले वकू, मोहल्ला हमें गैर समझती है, है? आप तो हर वक्त मजाक करते रहते हैं। शानी तुम चलो मेरे साथ। ओ भाई आग बुझानी है कहीं, और फायर ब्रिगेड में लग गए हो। चलो शानी हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही, मेरा हाथ छोड़ो जानी। जानू मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे तो सारे काले में सिर्फ दाल लग रही है। क्या मैं तुम्हें दाल लगती हूँ? सबके जाओ दाल भी कोई ऐसी, दाल बाश बल्कि जरिया माश। आखिर बात क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा नाम तितली है ना? और तुम दूर के एक गांव अलीपुर की रहने वाली हो। हाँ। तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनके पास तुम्हारी शादी के लिए जेहेज तक नहीं। हाँ। तुम सर से पांव तक झूठ और फ्रॉड हो। तुमने कायनात से तितली बनकर मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। ये झूठ है। शट अप। ये लो अपने झूठ का सबूत। अब बताओ कुछ है तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए? कायनात बेगम झूठ के सर पैर नहीं हुआ करते। तुम्हारे लिए मैं अपने देवता जैसे भाई की नजरों से गिर गया हूं। तुम मुझे कामी गजल, खलीफा और भाभी को खिलौना समझकर अपना दिल बहराती रही। ये झूठ है शानी, ये सच है। तुम हम सब की गुनहगार हो और इसकी सजा ये है कि आज से हमारे रास्ते जुदा होंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इखलाकी रिश्ते और इंसानियत बदनाम ना हो। इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे कायनात बेटी कहां चली गई थी तुम अपने मम्मी डैडी को छोड़कर? कितना दुख दिया है तुमने हमें। रिश्ता ना पसंद होने का मतलब ये तो नहीं कि बेटी घर छोड़ दे। आओ बेटी। ठहरो बेगम, इसे गले लगाने से पहले ये तो सोचो कि बेटी के दामन से लिपटकर बदनामी का कोई दाग तो इस घर की दहलीज तक नहीं आन पहुंचा। डैडी आपको मुझ पे एतमाद नहीं? बात एतमाद की नहीं, उस दस्तूर की है, जो बेटी की आंख में रहे तो हया और बह जाए तो काजल से भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। आपकी इज्जत का यह सिक्का हमारे आंगन में आ गिरा था, मैं इसे आपकी अमानत समझकर वापस करने आया हूं।
आइंदा इसे संभाल के रखिएगा। बार बार जमीन पर गिरने से सिक्के की चमक खत्म हो जाती है। खुदा हाफिज। ठहरो बेटा, किसी नेक खानदान के चश्मों चराग लिखते हो। तुम्हारे अल्फाज की सच्चाई तुम्हारे किरदार की गवाह है। मैं तुम्हें इनाम की रकम दिए बगैर नहीं जाने दूंगी। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं नेकी खरीदने और बेचने का कारोबार नहीं करता। हो सके तो इस रकम से अपनी लाडली बेटी के लिए कोई सुख खरीद लीजिएगा। खुदा हाफिज। तुम्हें एकदम कायनात को छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए था शानी। मोहब्बत के रिश्तों की रगे काटना कोई आसान काम तो नहीं। धोखा दिया उसने हम सबको, मुनाफकत की है, झूठ बोला है। तुम्हें गलत फहमी हुई है शानी, मुझे कायनात ने टेलीफोन पर सब कुछ बता दिया। उसके वालदैन उसकी शादी मेरे भाई शहनशाह से करना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया है इन्हें। शहनशाह जैसा बदकिरदार इंसान वाकई कायनात के काबिल नहीं। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं ऐसे भाई की बहन हूँ। कायनात तुमसे बहुत प्यार करती है शानी, उसे माफ कर दो वरना वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन उसका रिश्ता, शादी, ये सब बात की बातें हैं। बड़े भैया अगर सीधे रास्ते पर आ जाएं तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन कायनात इस वक्त कहाँ होगी? वो तो कब से तुम्हारे मोम होने के इंतजार में उधर खड़ी दुआएं मांग रही है। बल्ले बल्ले, ओ जट चढ़े अक चहरी, बल्ले बल्ले, ओ जट खड़का।
मटके ताने दार बजाया और करे कौन दाहवी बल्ले रे बल्ले ओ जट चढ़े अक चाहवी बल्ले रे बल्ले ओ यदि रंगली मतहरी बल्ले रे बल्ले ओ जट चढ़े अक चाहवी बल्ले रे बल्ले ओ जट चढ़े अक चाहवी बल्ले रे बल्ले ओ यदि रंगली मतहरी बल्ले रे बल्ले ओ जट चढ़े अक चाहवी रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो भैया हम अंदर आ सकते हैं आगे दोनों शैतान चलो चलो आओ आओ तुम दोनों शोरूम नहीं गए आपके तैयार होने का इंतजार कर रहे थे इकट्ठे चलते नहीं नहीं मुझे एक पार्टी में जाना है क्या कोई स्पेशल पार्टी है बड़े भैया क्यों ये सूट बूट परफ्यूम और शेफ वो भी पुट्ठे उस्तरे से मेरा ख्याल है कोई गाने वाने का फंक्शन है जबी तो भैया रियाज कर रहे हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरे बच्चों की अम्मा भगवत मर गए भाई शाम को शोर में मुलाकात होगी बड़े भैया आज तो बड़े अच्छी लग रही है कामी मेरा ख्याल है कि फाइनल शुरू होने वाला है अपनी अपनी वाली को खड़का दो एक एक फोन और बजा दो घंटियां लेट्स गो आओ मैडम हाँ ऑर्डर प्लेस नहीं करवाएंगी आप कुछ देर इंतजार कीजिए क्योंकि मुझे भी किसी का इंतजार है फिलहाल आप पानी और भेज दीजिए जी पानी जी 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 इतनी देर कहाँ लगा दी आपने वो दोनों शैतान मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे अरे चेहरे का पसीना तो साफ कीजिए और सांस पर काबू पाइए कोई देख लेगा तो क्या कहेगा बैठ जाइए ना ठंडा पानी पीजिए आपने मुझे फोन करके यहां क्यों बुलाया इसलिए कि हम आपस में कोई फैसला कर लें फैसला कैसा फैसला यही के आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है अब बहुत अच्छी है मुझे मालूम है इसके अलावा कोई और बात आप वाकई बहुत अच्छी है ये रिकॉर्ड पर आपकी सुई क्यों अटक गई है कहने वाली बात क्यों नहीं कहते आई लव यू सिद्रा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता आई लव यू आपके उसूल अरे बाढ़ में कैसे उसूल बस वो सब गलत था मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मुझे तुमसे मोहब्बत है वाह खूब बहुत खूब हमें जिंदगी भर औरत जात से नफरत का सबक पढ़ाते रहे और अब खुद एक औरत जात से कह रहे हैं हमें तुमसे मोहब्बत है और जब हमने मोहब्बत की तो उसे हमारा जुर्म बनाकर हमें घर से बाहर निकाल दिया और जब अपनी बारी आई तो इश्क मोहब्बत की सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए शानी इन्हें कुछ मत कहो क्यों ये तो वो अजीम इंसान है जो अपने छोटे भाइयों को गंदम का दाना खाने से तो मना करते हैं और खुद अनाज की पूरी बोरी हजम करना चाहते हैं हाय हाय हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वाह हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वाह ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता वाह 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 आपने कत्ल किया हुआ है ये देखो लड़की लालो लाल पड़ी है मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ भूल गया था मैं कि औरत वो फूल है जो मर्द की गुलशन की सीनत के लिए तख्लीक किया गया है इसका मतलब है कि आप इकबाल जुर्म करते हैं मुझे मंजूर है हाँ
ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? भैया रात कैसे गुजरी? रातें थी चांदनी, धोबन पे थी बहार। अरे धोबन नहीं, अपनी भाभी है यार। अच्छा अच्छा, भाभी पे थी बहार। चींटी की जब मौत आती है तो इसी किस्म के गाने गाता है। भैया जब कोई हाथी चींटियों के मुतालबे पूरे ना करे। और वो चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है भैया? क्या होता है? क्या? बकवास बंद करो, तुसे शुरू करो। बोलो क्या मुतालबात है तुम दोनों के? भैया आप मेरी शादी गजल से कर और मेरी शादी भी गजल से, अब कायनात से कर दें। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नो no. इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग, आपको इनकी बात फौरन माननी पड़ेगी। अरे जो हुक्म सरकार का, जनाब का हुक्म सर आंखों पर। हम शादी के लिए तैयार हैं। क्या मेरा मतलब है तुम दोनों की शादी के लिए? भाभी हिप्पी फुरे हैं? क्या करो साहब, बात यह है कि आपके यहां तशरीफ लाने पर बहुत खुशी हुई और आपने अपने हीरे जैसे भाई के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगा, यह उससे भी बड़ी खुशी की बात है। मगर अफसोस इस बात का है कि आपने आने में देर कर दी। देर कर दी? देर कर दी से क्या मुराद है? बेटा दरअसल हम कायनात के लिए इस शहर की बड़ी मशहूर शख्सियत कमाल पाशा के छोटे भाई शहंशाह को जबान दे चुके हैं। लेकिन आप तो जानती हैं कायनात और जिशान एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ और ये भी समझती हूँ कि कायनात को जिशान से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, लेकिन मजबूरी है। हम तो बड़ी आस लेके आपके दरवाजे तक आए हैं, अगर आपने हमारी झोली में इनकार के कांटे डाल दिए तो हमारे भाई का वजूद जख्म जख्म हो जाएगा और हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखे सुल्तान साहब, हम वाकई बहुत मजबूर हैं। पाशा के भाई के रिश्ते से इनकार करके हम अपने घर को उसके इंतकाम का निशाना नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी को अपनी बुजली और खौफ की भेंट चढ़ाएंगे, ये जानते हुए भी कि उस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी। आपकी जो मर्जी, आप समझ लें। चलिए सुल्तान, जिन लोग के दिल और समीर पुस्तली और खौफ की जंजीरों में जकड़े हुए हों, उम्मीद करना वो भी है। चलिए आप। डैडी ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपका ये फैसला जिंदगी की आखिरी सांस तक कबूल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप लोग आइए। कैसी हो? जेहे नसीब। आप लोग बैठिए, मैं पाशा भैया को भेजती हूँ। बैठिए। खुश आमदीद सुल्तान साहब। गजल ने तो कल रात ही को आपकी आमद का ऐलान कर दिया था। आदाब भाई साहब। आदाब आदाब भाई, हमारी प्यारी बहन के मेहमान तो हमारे सर आंखों पर। तशरीफ रखिए। आप हमारे चेहरे पर अपनी गहरी निगाहों से क्या तलाश कर रहे हैं सुल्तान साहब? गुजरे दिनों की वो राख जिसमें आज भी कुछ चिंगारियां दहक रही हैं। मैं कुछ समझा नहीं।
इंसान कितने भी रूप बदल ले, लेकिन उसके अंदर की खपासत कभी छुप नहीं सकती पाशा साहब। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम मुझे भी पहचान लोगे पाशा, जब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि मैं अलीपुर के उसी जमींदार अब्दुल्ला खान का बेटा हूं जिसे तुमने अपनी सौतेली चची और भाई के साथ मिलकर बेदर्जी से कत्ल कर दिया था। याद आया पाशा, मैं वही सुल्तान हूं जिसकी मां के मरने के बाद तुम्हारी सौतेली चची ने मेरे बाप के साथ शादी रचाई और हर दिन रात मुझ पर और मेरे भाइयों पर जुल्म करती रही। मुझे अपनी और अपने भाइयों की जिंदगी बचाने के लिए उस जागीर को छोड़कर शहर में पना लेनी पड़ी। सुल्तान, हम लोगों ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया और तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई को कत्ल कर दिया, जो आज तक जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भाई का कत्ल भुलाया है, तुम भी अपने बाप का कत्ल भूल जाओ। तुम वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सबूत और गवाही नाम की कोई चीज तुम्हारे दामन में मौजूद नहीं है। और इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अपने इंतकाम की आग का ईंधन बना लूं, खामोशी के साथ वापस चले जाओ। आइंदा तुम्हारी जुबान पर मेरी बहन का नाम आया तो दूसरा सांस लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपके वजूद में एक कातिल और शैतान छुपा हुआ है। सच्चाई को सुनने और बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें पाशा साहब। वो लोग आपके चेहरे पर अपनी खामोशी और शराफत का वो तमाचा मार गए हैं जिसका निशान अब जिंदगी भर नहीं मिटा सकेंगे। लेकिन मैं ये जानकर शर्मिंदगी के अंधे कुएं में जा गिरी हूं कि मेरा भाई इंसान नहीं दरिंदा है। अपनी जुबान पर खामोशी का ताला लगाकर रखा करो, वरना हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। नहीं आवेगा मैं भूला ना ले तरती से जावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग दे बिठावांगी, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। भैया और भाभी आ गए। आगे भैया, आगे आगे। भैया आप इधर आए, भाभी आप इधर आए। नहीं, पहले पहले मेरी खुशखबरी सुनाएंगे। नहीं नहीं, पहले मेरी खुशखबरी सुनाएं। अब भाई आप खामोश क्यों हैं? भैया आखिर बात क्या है? तुम दोनों की शादी गजल और कायनात से नहीं हो सकती। कहीं हम मजाक तो नहीं कर रहे हैं बड़े भैया? ये मजाक नहीं, सच है कामी। गजल के एक भाई की कायनात से बात पक्की हो चुकी है और उसका बड़ा भाई पाशा तुम्हारे बाप का कातिल है। ये सब क्या है बड़े भैया? एक लंबी कहानी है जिसको याद ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। आपको हमारी जान की कसम बड़े भैया, आज उस कहानी के चेहरे से पर्दा हटा दें। यह उस वक्त की बात है जब तुम और शानी बहुत छोटे थे। हमारी मां मर गई थी, हमारे पापा ने हम लोगों की परवरिश करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन हमारी दूसरी मां मां नहीं दायन थी। उसने हम लोगों पर इतने जुल्म किए कि मुझे औरत जात से नफरत हो गई। Thank you.
और फिर स्टाइन ने अपने दोनों भतीजों के साथ मिलकर बाबा का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और फिर हमारे बड़े भैया इरफान ने बाबा का बदला लेने के लिए बादशाह के भाई का कत्ल कर दिया। बड़े भैया? लेकिन हमारे बड़े भैया तो आप हैं। नहीं, हम चार भाई हैं। हाँ? मैं तुम दोनों को मौत के खौफ से लेकर यहां भाग आया था। तो हमारे बड़े भैया कहां हैं? बड़े भैया को कत्ल के जुर्म में 14 साल की सजा हुई थी और वो आज भी जेल में है। लेकिन आज तक आपने हमसे ये क्यों छुपाए रखा भैया? क्यों मिलने नहीं दिया बड़े भैया से? क्यों? मैं मजबूर था शानी, बड़े भैया ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। लेकिन घबराओ मत, वो बहुत जल्द जेल से रिहा होकर सीधा हमारे पास आएगा। मैं तो अब बड़े भैया को पाशा के खून की सलामी देकर ही मिलूंगा। इस नए काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, तुम दोनों ऐसी गलती नहीं करोगे जिसका अंजाम जेल या फांसी का फंदा हो। खुदा के लिए बड़े भैया, अब तो बुजदिली की जंजीरें तोड़ दें जो बरसों से दीमक की तरह आपको खाए जा रही हैं। शानी ठीक कहता है, बुजदिली जब हद से बढ़ जाए तो बगैरती बन जाती है और हम बगैरती की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम दोनों को इंतकाम की राहों पर चलने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इंतकाम इंसान को महरूमी और जुदाई की सूली पर चढ़ा देता है और मैं तुम दोनों की जुदाई का सहर नहीं पी सकता, नहीं पी सकता। अगर अब भी तुम दोनों अपने इंतकाम की जिद पूरी करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन वापसी पर मेरे लिए कफन का कपड़ा जरूर लेकर आना। भैया, भैया क्या बात है शहंशाह? भैया गजल हो गया, गजल हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर हमारे दुश्मन सुल्तान के घर चले गई है। उसने कायनात को भी अपने साथ मिला लिया है भैया, और सुल्तान उन दोनों की शादी अपने दोनों भाइयों के साथ करने वाला है। बस बस, बादशाह के कानों में इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है। बंटो। जी भैया। शहंशाह के साथ अपने आदमी लेकर जाओ और उन सबको बांध कर सुल्तान के बाप से छिनी हुई फैक्ट्री में ले आओ। बादशाह उस फैक्ट्री की जंगालूद मशीनरी को उनके लहू से चालू करेगा। बचपन में छिमकली को देखकर तुझ पर मौत तारी हो जाया करती थी ना, मेरी मालूमात के मुताबिक तू आज भी छिपकली को देखकर मौत से जिंदगी की भीख मांगने लगता है। अभी कुछ देर बाद तू हर सदा कुत्ते की तरह चीखेगा, चिल्लाएगा और फजात करेगा। और मेरे आशिक मिजाज सांप तुझे सर से पांव तक चूमेगी, चाटेगी। क्या हाल होगा उस वक्त तेरा और तेरे चाहने वालों का? और उसे तेरा अंजाम देखकर अपने लिए मौत की दुआएं मांगेंगे, दुआएं। आज अपनी बहादुरी को आवाज दो सुल्तान, जो कभी तुझे छू कर भी नहीं गुजरी। तू तो हिजड़ा है, हिजड़ा साला नामर्द। हमारे मुअज्जज मेहमानों को लाओ। Thank you.
कायनात के शहंशाह, मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मेरी पुस्तली मेरे सारे खानदान की मौत बन जाएगी, इसलिए तुझे काली कमली वाले का वास्ता देता हूं। मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं शैतान के इरादों को खाक में मिला दूं। हिम्मत दे परवरदिगार, हिम्मत दे, हिम्मत दे परवरदिगार, हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे। يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور दिल से बहादुर बन ही गया है तो इसे मौत की सलामी दे दो। अपने गरूर के नशे में यह क्यों भूल गया था पाशा? इस जमीन पर जब जब कोई फिरौन सर उठाता है, मूसा का कोई पैरोकार उसका सर कुचल कर रख देता है। इरफान, हाँ वही इरफान जिसके कांधों पर अपने बाप के खून का कर्ज बाकी है, और वो कर्ज आज मैं तेरे खून से चुकाऊंगा। Oh,
दिल्ली के किला खत्म हो गया ना। वेरी गुड सुल्तान, आज तू वाकई शेर का बच्चा लग रहा है। नहीं भैया, मैं जीशान हूं, बिल्कुल असली रैंबो की तरह लड़ता हूं। ये देखो, मुंह बंद, गन पहले लोड तो कर लो। मैं लोड करना भूल गया था। हेलो बड़े भैया, मेरा नाम कामी है। गुड लक। बरसों बाद मिले बड़े भैया, अब हमारा साथ छोड़ के मत जाना। अरे नहीं, आज मेरा अहद पूरा हो चुका है और कसम भी, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने कत्लों का हिसाब कौन देगा भैया? मैंने तो हिसाब अल्लाह की कसम है जरा भी नहीं आऊंगा। कुत्तों को कत्ल करने पर थोड़ी सजा मिलती है, और वैसे भी मैं ये सजा एक टांग पर खड़ा होकर काट लूंगा, लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी खुशी सुल्तान के बहादुर बनने की हुई है। कोडू, अपने 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 पीस को गले लगाओ। मेरे वाले पीस के गिट्टे पे गोली लगी है, मैं उसे वहीं जाके मिलता हूं। गले लगाओ। ओए के मुछा वटके थानेदार बजाया, अब कर कौन दोहरी। बल्ले भाई बल्ले।